यूपी टी जी डिपेजिटी मैथमेटिक्स 2019 के लिए बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो नंबर है 4। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, और जैसे कि क्वेश्चन है हमारा जो जो टोटल इंटीजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन सी ज़ीरो एन या एन सी नोट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी एन इक्वल टू 2n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n। ठीक है, 1 प्लस x की पावर n के एक्सपेंशन में एन सी नोट प्लस जो जनरल जो एक्सपेंशन ये होता है होता है एक्स प्लस ए की पावर n से, फिर इसको टर्म में चेंज किया जाता है 1 प्लस x की पावर n में। ठीक है, 1 प्लus x की पावर n के टर्म में एन सी नोट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट 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 होगा 2 की पावर n। जितने टर्म इसमें इवन होते हैं उतने टर्म ओड होते हैं, यानी कि इवन टर्म इक्वल टू होगा ओड टर्म, जितने टर्म इवन है उतने टर्म ओड होते हैं, यानी कि एन सी नोट। ठीक है, अगर बात करते हैं एन सी नोट की, एन सी नोट की वैल्यू 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 रख दिया जाए प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन इक्वल टू 2 की पावर n, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन इक्वल टू 2 की पावर n-1। ठीक है, एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस डॉट 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 इस तरह से ही वैल्यू पूछ लेता है तो इसकी जो क्वान्टिटी आता है 2 की पावर n आता है। ठीक है, जितने टर्म्स इवन होते हैं उतने टर्म्स ओड होते हैं, तो उससे भी क्वांटिटीज अलग अलग निकाली जा सकती है। तो इवन टर्म्स अपॉन इवन टर्म्स एंड ओड टर्म्स के लिए वैल्यूज हम बना सकते हैं। तो जो कंडीशंस है ऐसे जैसे कि सी नोट, एन सी नोट को सी नोट लिख सकते हैं, एन सी नोट प्लस एन सी टू प्लस का एन सी फोर डॉट डॉट डॉट, ये हैं इवन वाले, इवन वाले इक्वल होते हैं ओड वाले टर्म के, एन सी वन प्लस का एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस डॉट डॉट, जितने इवन टर्म्स होंगे उतने ही ओड टर्म्स होते हैं। तो टोटल जो सम था वो 2 की पावर n था, सपोज हम उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें जितने इवन टर्म्स हैं उतने ही ओड हैं, तो टोटल क्वांटिटीज आ जाएगी, या इस टर्म को तोड़ लिया जाए तो इसको लिखा जाए एन सी नोट प्लस का एन सी टू, एन सी टू प्लस का एन सी फोर डॉट 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 प्लस एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस का एन सी फाइव प्लस डॉट 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 इक्वल टू है 2 की पावर n। ये आपस में इक्वल होंगे, जितने ये हैं उतने ये, तो इसको लिखते हैं 2 एन सी नोट प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट 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 इक्वल टू है 2 की पावर n, यानी कि एन सी नोट प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर डॉट 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 इक्वल टू 2 की पावर n/2, यानी कि 2 की पावर n-1, जितने इवन इतने ओड, यानी कि हम एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव इसकी वैल्यूज अगर फाइंड करनी हो तो ये भी आएगा 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज भी 2 की पावर n-1 ही हमको मिल जाती है। अब ठीक है, अगर यही एक्सपेंशन इस तरह से दिया हुआ जैसे कंडीशंस हैं सी नोट का स्क्वायर, सी नोट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का सम हो, प्लस डॉट 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 प्लस सी एन का स्क्वायर, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टीजीटी 2009 में आ चुका है, तो ये इसका आंसर आता है 2n c n के बराबर होता है, या फैक्टर 2n वही फैक्टर n फैक्टर 2n माइनस का n, यानी कि फैक्टर 2n फैक्टर n एंड फैक्टर n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टर n का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो द सम ऑफ द कोफिशियंट्स, सम ऑफ द कोफिशियंट, सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोफिशियंट्स इज इक्वल टू 2n c n के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हम ये कंडीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है अब इस पर डिपेंडिंग हम क्वेश्चन अगर लें, बताती है कि इस वाली फॉर्म पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म बनता है एन सी नोट माइनस एन सी वन, अभी तो प्लस वाले हैं, एन सी नोट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन इक्वल टू होता है 2n। अगर बीच में एक प्लस एक माइनस हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जैसे हमारे पास ये था एन सी नोट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट 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 प्लस एन सी एन इक्वल टू था 2n। ऐसे ही अगर एन सी नोट माइनस का एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस का एन सी थ्री डॉट डॉट प्लस माइनस वन की पावर एन एन सी एन इक्वल टू होगा 0 माइनस वन की पावर एन एन सी एन इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म पर डिपेंडिंग हम कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, जो अभी ये फॉर्म हुई है इनसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 14c1 प्लस 14c2 14c2 प्लस का 14c3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 14c11 14c11। तो इसकी क्वांटिटीज हमको फाइंडिंग करना है। ठीक है, 14c1 प्लस 14c2 प्लस 14c3 ठीक है की वैल्यूज हमको निकालना है। अब बात आती है कि 14c11 तक दिया है एन सी नोट एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री डॉट 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 प्लस एन सी एन इक्वल टू 2n-1 था। ठीक है, तो एन की जगह हम 14 रखते हैं, 14c1 प्लस का 14c2 प्लस का 14c3 प्लस डॉट 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 प्लस 14c14 इक्वल टू 2n-1। इससे पहले रहेगा 14c13 ठीक है, 14c13 रहा होगा और 14c11 तक की वैल्यू हमको चाहिए 11 तक की, है ना। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको आगे ले जाएंगे, 14c1 प्लस का 14c2 प्लस का 14c3 प्लस डॉट 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 प्लस 14c11, उसके आगे होगा 14c12, उसके आगे 14c13 एंड 14c14 इक्वल टू 2n-1। ये क्वांटिटीज हमको निकालनी है, 14c12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 14c12 जैसे कि है 14c12 इक्वल टू फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 14-12 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2 यानी 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 12 2 इंटू 1 7 इंटू 13 ठीक है 91। ऐसे ही क्वांटिटी निकालेंगे 14c13 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 14-13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 1 14 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू 1 कैंसिल हुआ आएगा 14 14c14 फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 14-14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 0 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल 0 1 होता है 1। अब यहाँ पे ही क्वांटिटी पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू तो फाइंडिंग करना है, बाकी जो है इनकी वैल्यू रख देते हैं। 14c12 ये आया है 91, इसकी वैल्यू हमने रख दिया 91 और 14c13 इसकी वैल्यू आया है 14 और ये आया है 1 ठीक है। बस इसको सॉल्विंग कर लेंगे, सॉल्विंग करके यहाँ पे क्वांटिटीज़ जो है ये क्वांटिटीज़ निकल पाएगी। तो ये हो गया हमारा 14c1 प्लस का 14c2 प्लस का 14c3 प्लस टोटल प्लस 14c11 इक्वल टू 2n-1 -91 माइनस का 14-1। इसको सॉल्विंग करेंगे, सॉल्व करके यहाँ से आंसर इसका निकल जाएगा।